हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हो चैनल एक्सप्लेन। तो अभी मैं आपको ब्रिटिश लिटरेचर पोइट्री एंड प्ले के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो इसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने से पहले बता दूँ, ये इंग्लिश का पेपर है आपका। इंग्लिश के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर है उसके हम कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं करवाऊँगा क्वेश्चन नंबर थर्ड और उसके बाद करवाऊँगा फिर क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर की तरफ चलते हैं। इस पर लिखा है, इन ओथेलो हाउ इज़ ड्रामेटिक आयरनरी यूज टू फर्दर द प्लॉट। हाँ फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है उसके आंसर की तरफ हम आ चुके हैं। देखो, थीम ऑफ आयरनी ओथेलो, यहाँ से आपको थीम लिखना है, जो इसका प्लॉट है पूरा का पूरा वो यहाँ से ही आपको लिखना है। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम और भी एग्जाम्स के आंसर आपको जल्दी प्रोवाइड करवा सकें इसी तरह से। और ये आपको बस यहाँ पे रुक जाना है, वर्ड वाइजली यहाँ पे आपको रुक जाना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है। और यहाँ तक आपको लिखना है इस जगह पे, यहाँ पे आपका आंसर जो है थर्ड वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा हो गया ख़त्म। उसके बाद हम करवाते हैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। इवेलुएट, यहाँ पे लिखा है केट ओडी टू ऑटम पोएम यूजिंग परसिफिकेंस, ठीक है। तो हाँ फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। इन दिस पोएम केट से डिस्क्राइब द सीजन ऑफ ऑटम, यहाँ से आप ये लिखोगे पूरा। फिर आपको ये लिखना है द कोलेक्ट हनी फ्रॉम द, ये लाइन से आपको लिखना है ऐसे जैसे लिखा है। फिर आपको ये सारा लिखना है, फिर ये नीचे, फिर उसके बाद फिर आपको ये लिखना है। ये सारा जब आप लिख लोगे फिर उसके बाद यहाँ से और फिर नीचे ये, और बस फिर ये आपको यहाँ तक और लिखना है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आंसर ख़त्म हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। तो नेक्स्ट आंसर हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर वन। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करवाने वाले हैं, तो अभी क्वेश्चन नंबर वन की तरफ चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर जो वन है वो देखो यहाँ से आपको लिखना है, एनालाइज लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप लिखोगे नीचे तक पूरा, ठीक है। फिर ये, और ये आपको लिखना है सिर्फ यहाँ तक, यहाँ पे आपको रुक जाना है और फिर उसके बाद यहाँ से आपको ये लिखना है। ये कुछ पोएम की लाइंस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये और फिर ये समरी, और बस फिर आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद आपका जो आंसर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट आंसर जल्दी रहेंगे। थैंक यू।